आज आपको करीना कपूर के उन अफेयर्स के बारे में बताते हैं जिनके लोगों को शायद नाम ना पता हो। एक दो को छोड़ के बाकी किसी भी करीना के लव इंटरेस्ट का नाम नहीं पता होगा। स्वागत है आपका एवन एंटरटेनमेंट के इस गॉसिप के पिटारे में। मेरा नाम है मेघा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। करीना ने अपने काम के दम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम भी बना लिया। भले ही वो एक ऐसी फैमिली से आती हो जिसमें हर कोई कलाकार हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रोफेशनल से भी बढ़िया और हिचकोले खाने वाली उनकी पर्सनल लाइफ थी। सैफ से शादी करने से पहले उनका कई स्टार्स के साथ नाम जुड़ा। आज उन्हीं स्टार्स के बारे में बात करते हैं। शाहिद कपूर और करीना कपूर का अफेयर तो जब जाहिर है। दोनों एक दूसरे से पागलपन के हद तक प्यार करते थे। करीना कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि वो शाहिद के लिए पागल थी। वो उनके पीछे पीछे जाती लेकिन शाहिद उन्हें भाव नहीं देते थे। और बाद में दोनों का अफेयर कई साल तक चला लेकिन टूट गया। करीना और ऋतिक रोशन ने एक साथ कई मूवीज में काम करा। फिल्म कभी खुशी कभी गम के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बात को लेकर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने उन्हें करीना कपूर के साथ फिल्म करने से ही मना कर दिया। फिदा फिल्म में करीना और फरदीन खान साथ में दिखे थे और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों करीब भी आ गए, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की, इसलिए शायद ये बात ज़्यादा उठी भी नहीं। तुषार कपूर ने करीना कपूर के साथ कई फिल्मों में काम करा और इसी दौरान तुषार को करीना से प्यार हो गया। यानी आप इसे वन साइडेड लव भी कह सकते हैं, क्योंकि करीना हमेशा तुषार को अपना दोस्त ही मानती थी। फाइनली करीना आके टिक गई सैफ अली खान पे, जो पहले से ही शादीशुदा या कहें डाइवोर्सी भी थे। सैफ की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी। करीना ने अपने कई अफेयर्स के बाद सैफ अली खान से साल 2012 में शादी कर ली। करीना कपूर की हालिया रिलीज हुई फिल्म द बकिंघम मर्डर्स को लोगों ने बॉक्स ऑफिस पर पसंद नहीं किया। A1 एंटरटेनमेंट देख रहे थे आप। नमस्कार।